हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर में। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने केवल फिगर दिखाया है और उसका यूज़ बताया है और उस इंस्ट्रूमेंट का नेम बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं बताया है। और इतना भी बता दूं कि इतने छोटे से वीडियो में मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं बताया है, इसके लिए दो चार वीडियो और बनेंगे तो भी जा करके सारे इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो पाएंगे। तो परफेक्टली अगर आप सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो पहले ये सारा वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कॉमनली कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है स्केपल्स। स्केपल्स एक्चुअली यूज किए जाते हैं कटिंग के लिए। आप फिगर देख सकते हैं, ये एक्चुअली ब्लेड होता है, इसको हम सर्जिकल ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली सर्जिकल ब्लेड्स आपने अच्छे से देखा होगा और इसको हम इंसीजन करने के लिए, कट करने के लिए यूज करते हैं। ये है आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि आप फिगर से देख सकते हैं, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं नाइफ होल्डर या बाट पर्कर, या फिर इसे हम सर्जिकल ब्लेड होल्डर भी बोलते हैं। जो आपने पिछला देखा अभी, उसी को हम इसमें होल्ड करते हैं और फिर इसका यूज करते हैं इंसीजन करने के लिए या सर्जरी करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है बाट पर्कर का, ये जो ब्लेड्स होते हैं उनको होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, जिससे वो आसानी से चलाया जा सके। नेक्स्ट है आपका सीजर, ये भी कटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका दिख रहा है स्ट्रेट मायोसीजर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो टिप है ये स्ट्रेट है, ठीक है। स्ट्रेट होने की वजह से हम इसको कहते हैं स्ट्रेट मायोसीजर। और एक्चुअली ये उपयोग की जाती है जो उंड होता है उसके चारों तरफ के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बॉडी के, उसको कट करने के लिए, ठीक है। कभी कभी ये सूचर काटने के लिए भी यूज किया जाता है, जो टाका लगता है उसको काटने के लिए भी यूज किया जाता है, अब तब इसको हम कहते हैं सूचर सीजर, ठीक है। तो ये सीजर एक्चुअली जो कोमल टिश्यूज होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, या सॉरी उनको काटने के लिए और सूचर को काटने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप फिगर देखिएगा, ये भी एक प्रकार का सीजर है और कटिंग के लिए ही यूज होता है, और इसे हम बोलते हैं कर्व मायोसीजर। कर्व मायोसीजर का मतलब आप ध्यान से देखिए, तो इसका जो टिप है वो थोड़ा सा कर्व है, कर्व होने की वजह से इसको हम बोलते हैं कर्व मायोसीजर। और इसका यूज जो किया जाता है वो जो थिक टिश्यूज होते हैं, जैसे पैर के टिश्यू हो गए, या फिर यूट्रस होता है, मसल्स होती है, ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, तो उसको कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस मायोसीजर को का जो टिप होता है ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि क्लैंप करने के काम आते हैं, मतलब दबाव डालने के काम में आते हैं। जैसे आपका कर्व मॉस्किटो हेमरेस्टेट है, इसे आप देख सकते हैं, इसका फिगर कुछ इस तरह का होता है और इसका यूज किया जाता है हेमरेज को रोकने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे बेसल्स कट गई हैं सर्जरी के दौरान, तो उस बेसल्स को क्लैंप करने के लिए, उसको दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो बेसल्स से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, एक्चुअली क्लैंपिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लैंप करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और भी आगे आपको क्लैंपिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बर्लिसर। बर्लिसर का यूज़ भी क्लैंपिंग करने के लिए होता है, जो डीप ब्लड वेसल्स होती है उनको क्लैंप करने के लिए बर्लिसर उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कुछ फोर्सेप्स के बारे में, ठीक है। ये एक्चुअली एक फोर्सेप है, इसको हम बोलते हैं कोर्चर आर्टरी फोर्सेप्स। इसका यूज किया जाता है ब्लड वेसल्स को क्लैंप करने के लिए और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली ये फोर्सेप नहीं है, एक्चुअली ये भी एक क्लैंपर है और ये भी क्लैंप करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस इसमें छोटे छोटे दांत की जैसे संरचना बनी होती है, टीथ जैसी संरचना बनी होती है आगे की तरफ और चारों तरफ, ठीक है। इसे हम इंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स में भी यूज करते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ अलग से फोर्सेप्स के बारे में जो कि पकड़ने के काम में आता है, होल्ड करने के काम में आता है, ठीक। तो ये एक प्रकार का फोर्सेप है, इसे हम बोलते हैं एलाइज टिश्यू फोर्सेप्स। इसका यूज किया जाता है, यूज से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इसे पहचानेंगे कैसे। अगर देखोगे तो ये बिल्कुल नीचे से सीजर की तरह दिखता है, लेकिन ऊपर से एक फोर्सेप है और इसके टिप में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है, जिसमें टीथ जैसे संरचना बनी हुई, दांत जैसे संरचना बनी हुई है। एक्चुअली जब एलाइज जो है ये क्लैंप किया, इसे जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लैंप करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। तो इससे एक्चुअली जो हैवी टिश्यूज होते हैं उनको भी
पकड़ने का काम किया जाता है। एक्चुअली ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो फोर्सेप है इससे टिश्यूज़ के कटने का खतरा रहता है, ठीक है, तो इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन तब भी इसका यूज़ जो होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए होता है, जो आपके भारी टिश्यू होते हैं, हैवी टिश्यूज़ होते हैं, बड़े टिश्यूज़ होते हैं, उनको क्लैम्प करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी एक प्रकार का फोर्सेप है, इसको हम बोलते हैं बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। अगर आप इसको देखोगे तो ये आगे की तरफ बिल्कुल गोल सा है, और इसका उपयोग हम करते हैं जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, ट्यूबुलर ऑर्गन्स को पकड़ने के लिए उसमें आप आगे की तरफ देखोगे तो राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी एक प्रकार का फोर्सेप है, इसे हम बोलते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जो कि अब आप समझ सकते हैं कि स्पंज होल्डिंग फोर्सेप स्पंज पकड़ने के काम में आता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो एक ब्लंट टिप होता है, ब्लंट टिप का मतलब एक इस तरह से गोल टिप होता है जिसमें छेद होता है, और इसमें छोटे 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 दांत जैसे संरचना बनी होती है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है, जो कि टिश्यूज को पकड़ने के लिए, स्पंज को पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक। और क्योंकि ये इस तरह का बना होता है कि ये बिल्कुल भी टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट आप ये फोर्सेप देखिएगा, एक्चुअली इस फोर्सेप को हम बोलते हैं मायोटॉल क्लिप। एक्चुअली एक क्लिप नहीं होती है, एक प्रकार की फोर्सेप होती है जो कि यूज की जाती है सर्जरी के दौरान, जो टॉवल्स होते हैं, स्टेराइल टॉवल्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए, क्योंकि आपके हाथ होल्ड अगर से आप स्टेराइल टॉवल पकड़ोगे तो फिर वो इसकी स्टेरिलिटी ख़त्म हो सकती है, इसलिए इस स्टेराइल टॉवल क्लिप से उस टॉवल को पकड़ते हैं जब हम कोई इंसीजन कर रहे हों या ऐसा कोई सर्जरी कर रहे हों, ठीक है। एक्चुअली ये और भी बहुत सारे काम में यूज में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट्स की। ये इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसे हम बोलते हैं निडल होल्डर। ये भी होल्ड करने के काम में आता है, ग्रेस्प करने के काम में आता है यूजली, इसे हम निडल होल्डर बोलते हैं। और ये एक ऐसा टूल है जब हम स्टिचिंग करते हैं उस कंडीशन में, ये सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जो निडल्स होती हैं उनको होल्ड करने के काम में आता है। कभी भी हम किसी भी चीज़ को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं सर्जरी में, या अगर हाथ से पकड़ते हैं तो उसको स्टेराइल होना ज़रूरी है, तो ज़्यादातर हम चीज़ इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट इस वीडियो का ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गए, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको बताने ज़रूरी हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ऐसे इसलिए नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो आपको 2-3 वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स पे मिल जाएंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत साइड में चीज़ें बताई जाती हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि थोड़ी सी डिटेल में और चीज़ें बताई जाएं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि आपको केवल उसका नाम इंस्ट्रूमेंट का और उसका यूज समझ में आ जाए, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको डिसेक्टिंग फोर्सेप है, एक नॉर्मल प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए या दूसरे मटेरियल को होल्ड करने के लिए, ठीक है, नीडल्स को अलग करने के लिए इत्यादि हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी डिसेक्शन फोर्सेप होती है, चिमटी होती है, जिसका उपयोग हम इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको और भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।